हेलो माय डियर, आपका बेहतरीन जीएस जीके और सीए का बेहतरीन कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हूं आज मैं। टाइम को तनिक भी वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 10 जनवरी, बी में है 9 जनवरी, सी में है 5 जनवरी और डी में है 22 जनवरी। तो ऑलवेज जानते रहिए, 10 जनवरी यानी आज 10 जनवरी है के दिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1949 को पहली बार यूएन माने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा बोली गई थी, और 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। लेकिन 2006 से हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अब हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशों में हिंदी का प्रचार करना, भारत में नहीं विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही इसका। और ये कौन मंत्रालय मनाता है? तो विदेश मंत्रालय, भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री जो होता है ये मनाता है। इसको अच्छे से जानते रहिएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, यू नो वेरी वेल। 22 जनवरी भव्य दिव्य समारोह होने जा रहा है भाई, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो सरयू नदी के किनारे है भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अंडरस्टैंड माय डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन माने अंतरिक्ष, जो हमारा आपका होता है रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो इसका राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में है डीआरडीओ, और डीआरडीओ जो है वो हमारे देश में रक्षा संबंधी, हमको भारत को रक्षा के मामले में माने आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखता है। इसने बहुत सारे काम किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 3, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? ए में है कैरोटीन, बी में है ग्लाइडेन और जी में है, सी में है जिन और डी में है केसीन। तो आप हमेशा जानते रहिए कि दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध का रंग क्या होता है? सफेद भी होता है। ठीक है, लेकिन गाय का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है, ये भी जानते रहे। गाय का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है और दूध का रंग सफेद कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके अलावा देख लीजिएगा कहां पाया जाता है, जो पहला ऑप्शन है कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन कहां पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है भाई त्वचा, बाल, नाखून और खुर में पाया जाता है, इसी वजह से ये बढ़ते रहते हैं हमेशा। कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइडिन, तो ग्लाइडिन पाया जाता है गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जिन, जिन जो है मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में क्वासियोरकर व मैरेस्मस का कारण है, ये बीमारी किस कारण से बच्चों में होती है? क्वासियोरकर मैरेस्मस, तो ए में है विटामिन की कमी से, बी में है प्रोटीन की कमी से, सी में है दोनों की कमी से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑलवेज नो, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से ही बच्चों में क्या पाया जाता है भाई? क्वासियोरकर और मैरेस्मस नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से? प्रोटीन के। और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 5 टुडे का, मानव शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? हमारी जो शरीर है कितने प्रोटीन चाहिए इसको? ए में है 15, बी में है 20, सी में है 10 और डी में है 30। तो ऑलवेज नो, 10 नहीं बल्कि 20 प्रोटीन की जरूरत होती है। बी, बी ऑप्शन सही है इसका। 20 प्रोटीन हमारे आपके शरीर को चाहिए, 20 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। 15 मानव, हमारा जो शरीर होता है वो
वो 15% प्रोटीन का बना होता है। पूरी बॉडी जो होती है 15% किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और कितने प्रकार के प्रोटीन हमको चाहिए भाई? तो हमको चाहिए 20 प्रकार के। 10 प्रकार के प्रोटीन हमारी शरीर खुद बना लेती है और 10 प्रकार के 10 अन्य प्रोटीन की जो हमको जरूरत पड़ती है वो हमें भोजन से लेने चाहिए। इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन करिए और स्वस्थ रहिए। 10 प्रकार 50 तो बॉडी ही बना लेती है, 50% ये भोजन से लेना है तो अच्छा सा खाया करिए हमेशा। जब हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि कहा गया ना हेल्थ इज वेल्थ, आप स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे और पढ़ाई में भी आगे रहेंगे। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा आज आपको प्रोटीन के बारे में हल्का सा और बता देते हैं। यस माय डियर, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर पाए जाते हैं। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी प्रोटीन किसका बना होता है? छोटी छोटी इकाइयों से, जिसका नाम होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, और मानव शरीर 15% प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, और आप जानते रहिएगा कुछ प्रोटीन जहां पर पाए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोलेजन प्रोटीन जो होता है तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अस्थि व कार्टिलेज के आधार पर पदार्थ का निर्माण करता है ये। फाइब्रोइन, ये रेशम और मकड़ियों के धागे का निर्माण करता है। कौन? फाइब्रोइन प्रोटीन। और इलास्टिन, यह भी तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में पाया जाता है। गोसिपिन कपास प्रोटीन है जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक्टिन व मायोसिन सभी कंकाली पेशियों में संकुचनशीलता का हेतु है, कारण है ये। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन कहां पाया जाता है? अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और ग्लूटेलिंस जो होता है अनाज में पाया जाने वाला, ग्लूटेलिंस अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन है। प्रोलेमिस जो पाया जाता है दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन तथा थ्रॉम्बिन, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने कर रक्तस्राव को ये रोकता है प्रोटीन। हिस्टोन, यह न्यूक्लियो प्रोटीन है जो आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं वंश गति का नियंत्रण करती है। ठीक है, और एंटीबॉडीज, यह सुरक्षात्मक प्रोटीन होती है जो हानिकारक पदार्थों, आक्रमणकारी जीवाणु आदि से शरीर की सुरक्षा करती है। एंटीबॉडीज जानते रहिए, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर को किसी प्रकार का अटैक होगा तो सबसे पहले एंटीबॉडीज ही हमारे शरीर की रक्षा करती है। नाइटोफ्रोम, यह माइटोकांड्रियम पाए जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। तो माय डियर, ये थे प्रमुख प्रोटीन। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत जरूरी होते हैं प्रोटीन, हमारे बढ़ने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं, जबकि शरीर की रोगों से रक्षा करने में विटामिन का काम होता है। यस माय डियर, अब टुडे का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। शेख हसीना, ये भाई पांचवी बार इन्होंने बांग्लादेश के संसदीय लोकसभा चुनाव को, संसदीय चुनाव को जीत लिया है। ये बांग्लादेश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो खालिदा जिया थी, और ये जाकर के ये फिर से पांचवी बार ये बनेंगी बांग्लादेश की क्या? प्रधानमंत्री। 1996 में पहली बार ये पीएम बनी थी। ठीक है, 2009 से सत्ता पर काबिज हैं। प्रणय वर्मा जो बांग्लादेश में भारत के क्या हैं, उच्चायुक्त हैं, उन्होंने इनको बधाई दी है। यहां पर कुछ और फैक्ट बताता है आपको, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरीमाओ भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी, श्रीलंका में बनी थी 1960 में। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, मैंने बताया 20 मार्च 1991। दुनिया की पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी मारिया एस्टेला पेरोन, ये अर्जेंटीना में थी। ठीक है, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है, और जो शेख हसीना के पिता थे बंगबंधु मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक माना जाता है। ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान जो पहले भारत का ही हिस्सा था, तो ये आप जानते रहिए बांग्लादेश के बारे में। इतना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं।
हमारे बगल में ही है बांग्लादेश। उसके बाद है MI6, ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, इसके कुछ कर्मचारियों को भी चीन ने गिरफ्तार किया है कि वो जासूसी कर रहे थे हमारे देश में, ऐसा चीन ने कहा है। तो जानते हैं MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। DGCA ने कहा है कि फ्लाइट के क्रू मेंबर में पायलट और जो उसके साथ रहते हैं लोग, उनको क्रू मेंबर कहा जाता है, वह अब हफ्ते में 36 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे का आराम करेंगे, और जो 1 जून 2024 से लागू होगा। अनाहत सिंह, भारत की स्टार स्क्वाश खिलाड़ी, ने 2024 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश में उप विजेता बनी है, जो दिल्ली से है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, यह एक वार्षिक पुरस्कार है, मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य हो तो दिया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसमें। यह पुरस्कार फिल्म और टीवी जगत के कलाकारों को दिया जाता है। मनोरंजन जगत का यह दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर अवार्ड फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। एमी पुरस्कार टीवी जगत का मशहूर व सबसे बड़ा पुरस्कार है। एमी पुरस्कार 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का आयोजन अभी बेटरली हिल्स कैलिफोर्निया में हुआ, जिसमें मैंने ओपेनहाइमर फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। रणधीर जायसवाल, ये अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के कार्यभार इन्होंने संभाला है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को बनाया अपना राष्ट्रीय प्रतीक, हिम तेंदुए को पैंथरा के नाम से भी जानते हैं, जानते रहिएगा, ओके। किर्गिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत पार्क, भारत सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र है भारत पार्क, इसको स्थापित करने की योजना बनाई है। कहां? संयुक्त अरब अमीरात में। गुणोत्सव 2024, ये क्या है? असम सरकार द्वारा इसका 5वां संस्करण भी आयोजित किया गया। यह सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक राज्यव्यापी मूल्यांकन है शिक्षा के संबंध में, ठीक है। भारत व सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता पर हुआ हस्ताक्षर, हमारे देश की जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, अभी गई हुई थी मक्का और मदीना, जहां हमारे मुस्लिम लोग जाते हैं हज करने के लिए। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है। रघुराम अय्यर, ये भारतीय ओलंपिक संघ के CEO नियुक्त हुए हैं, और NIIFL के नए CEO और MD संजीव अग्रवाल बने हैं। तो क्या है NIIFL? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसी के CEO और MD बने हैं संजीव अग्रवाल। ये क्या होता है भाई? तो लिख ली NIIFL, यह केंद्र द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच है, और प्रभावी रूप से एक सरकारी संपत्ति कोष के रूप में कार्य करता है। और जी राम मोहन राव, ये सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज का करंट अफेयर्स भी इधर का। तो आप इसको खूब अच्छे से बार बार सुन लीजिए और खूब अच्छे से अपना मन लगा करके पूरा 100% दीजिए, ताकि किसी प्रकार की कमी न रहे और आप अच्छे से इंजॉय करिए। इसी के साथ आज इस क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा अच्छे से आपके GS GK और CA का डेली डोज लेकर के। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।